लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए 2020 फरवरी का ये महीना कैसा जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। अब जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्या पागल दिल आपकी सुनेगा इस बार या जाएगा। बहुत दिन से आप कुछ अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। अब आपका जो लॉजिक है, जो दिमाग का लॉजिक है, क्या वो दिल के ऊपर हावी होगा या दिल अपनी करेगा इस बार, इसके बारे में बात करेंगे कि क्या एग्जैक्टली आप अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या दिमाग मानने को तैयार नहीं है और क्या दिल सुनने को तैयार नहीं है, बात करेंगे इसके बारे में। बट फिलहाल शुरू करते हैं आपका राशिफल फरवरी के महीने का। तो हम शुरू करेंगे ये बेसिकली आपके यात्राओं से शुरू करके कि आपके लिए यात्रा का क्या योग है इस महीना। तो इस महीना यात्राओं का योग काफ़ी अच्छा है आपके लिए। अगर आप कोई यात्रा पे जाते हैं इस महीना तो आपको उससे फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा आपको। और इस महीना जो है दोनों ही तरह की यात्राएं पॉसिबल हैं, आपके मतलब आपके शौक की और आपके बिजनेस दोनों से संबंधित जो है यात्राएं इस बार पॉसिबल हैं। कोई विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है, हालांकि लंबा नहीं है लेकिन योग जरूर बन रहा है आपकी कुंडली में। अगला जो हमारा सेक्शन है वो है एजुकेशन यानी कि शिक्षा का। अब जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं या जो स्टूडेंट्स हैं आप में से, उनका क्या भविष्य है इस बार इस 2020 के फरवरी के महीने में। तो देखिए ऐसा है कि काफ़ी अच्छा महीना है ये और आपको अनएक्सपेक्टेडली किसी से आपको हेल्प भी मिलेगी इस महीना। बहुत ही कम आप मेहनत के साथ में इस महीना जो है आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। और जो लोग बाग सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी। साथ में जो लोग बाग स्टूडेंट नहीं हैं वो इस महीना कोई ना कोई एक नई हॉबी, नया कोई शौक या नया कोई नई कोई किताब पढ़ना शुरू कर सकते हैं। कोई रुकावट नहीं है इन सभी तरह की चीज़ों में। जो घर में रहने वाली महिलाएं गृहिणियां हैं और जिनके जिनका जो है कोई भी शौक वो पुराने छूटे हुए हैं, इस महीना उनके शुरू होने की पूरी पूरी संभावना है। अब हम बात करेंगे आपके लिए आगे वाले सेक्शन में आपके फाइनेंस यानी कि आपके धन संबंधी मामलों की, कि धन संबंधी मामला जो है वो किस तरह का होगा। देखिए इस महीना जो है काफ़ी कुछ, अगर आप कोई भी नया वेंचर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके फ्रेंड सर्कल में से ही कोई आपका पार्टनर बनने को तैयार हो जाएगा। इस बार पैसा आएगा इस महीना, कोई पैसे का फिजूल खर्ची ना करें और बिल्कुल भी किसी भी तरह के जो स्पेकुलेशन का मार्केट है उसमें पैसे लगाने से बचें। इस महीना बहुत ही एक तरीके से शानदार महीना रहेगा आपके लिए, पैसे के हिसाब से पैसे का इनफ्लो बना रहेगा आपकी तरफ। और अगर आप कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो पार्टनर भी मिल जाएगा आपको, लेकिन ध्यान रखिए पार्टनरशिप हर मामले में सक्सेसफुल नहीं होती है, लॉन्ग रन में नुकसानदायक साबित होती है। अगर आप कोई भी काम अगर आप अकेले कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर पार्टनरशिप में करना भी पड़े तो बेसिकली एक नोन बंदे के साथ ही करें, अननोन बंदे के साथ में ना करें पार्टनरशिप शुरू, ओके। और अगला सेक्शन है हमारे पास में आपके लिए करियर का यानी कि आपके नौकरी से संबंधित। करियर कोई खास इस बार थोड़ा सा उतार चढ़ाव का महीना रहेगा आपके लिए ये। आप कुछ नए फ्यूचर के लिए प्लान्स बना सकते हैं, आने वाले टाइम के लिए प्लान बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने की संभावना है नहीं बेसिकली, ओके। इस महीना आपके कार्य क्षेत्र में, आपके ऑफिस में भी थोड़ा सा एडवर्स माहौल रह सकता है। और अच्छा आने वाला टाइम आगे आएगा आपके लिए, लेकिन ये जो फरवरी का महीना है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके बारे में, ओके। आप एक तरीके से लिब्रा के जो लिब्रा राशि वाले होते हैं वो हर चीज़ में धन लाभ हानि ये सब देखते हैं। अगर आप थोड़ा सा शिथिल हो जाएंगे आप इसके बारे में तो ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। और
आगे बात करते हैं हम, अगले जो सेक्शन है वह है आपके स्वास्थ्य से संबंधित। स्वास्थ्य ठीक है इस महीना, कोई खास कुछ दिक्कत नहीं लग रही है, और अगर कोई पुरानी कोई परेशानी चली आ रही है तो इस महीना हो सकता है आपको उसका इलाज ढूंढने में मदद मिले, या आपको इलाज मिल भी जाए इस महीना। और आप ये लिब्रा यानी कि जो सोच विचार करने वाले लोगों के लिए हेल्थ जो है वो एक तरीके से बड़ा कैलकुलेटेड मामला होता है। आप हेल्थ के मामले में हर कैलकुलेशन आप बिल्कुल फिट करके रखते हैं। ये महीना भी आपके लिए एक तरीके से जो आपने एक्सरसाइज के जो भी आपने गोल्स बनाए हैं उनको आप शुरुआत आप जरूर करेंगे इस महीना। जिम की मेंबरशिप लेंगे, कोई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देखो लिब्रा राशि वाले जो होते हैं वो रेकलेस तो बिल्कुल नहीं होते, एक एक शब्द एक एक चीज़ बड़े सोच समझ के बोलते हैं, कभी भी लूज टॉक कभी नहीं करते देखा मैंने। और हेल्थ के मामले भी मैंने इनको सबसे ज़्यादा फिट देखा है। अगर कोई सबसे ज़्यादा फिट अगर राशि है एरीज के बाद में तो वो लिब्रा है। लिब्रा राशि के लोग बिल्कुल फिट रहते हैं, एकदम फिट, और अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ख्याल रखते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि इस महीने भी आप अपना ख्याल बिल्कुल रखेंगे आप अपने स्वास्थ्य का। अब हम बात करते हैं आपके फैमिली के बारे में, यानी कि पारिवारिक संबंधों के बारे में, परिवार में माहौल कैसा रहेगा ये 2020 में फरवरी के महीने में। तो देखिए आपके घर का माहौल एक नॉर्मल माहौल है, कोई घर में कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह की चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही है। घर में पैसे का इनफ्लो है इस महीना, और एक तरीके से घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। कोई फंक्शन, कोई शादी, कोई विवाह, इस तरह के भी कार्य हो सकते हैं फैमिली के अंदर। और आपको जो है एक, अगर आप अकेले हैं या सिंगल हैं, और आप या आप सिंगल मदर हैं या सिंगल मतलब घर में लेडी हैं, तो आपको अपने इससे बड़े का भी लोगों का इस बार साथ मिलेगा घर के अंदर। और ये जो साथ है ये अनकंडीशनल सपोर्ट मिलेगा, और हो सकता है आपको जनवरी से मिलना भी शुरू हो गया हो। ओके, तो एक बात एक ये है। अब बात करते हैं हम आपके लव लाइफ की और रिलेशंस की, जिसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा भी है, क्या पागल दिल आपकी सुनेगा या इस बार जाएगा। अब इसकी बात करते हैं। तो अब जैसा कि यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ लग रही है कि देखिए जो भी आपके पार्टनर हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो एक तरीके से प्रेम आपस में बना रहेगा, और शुक्र महाराज की स्पेशल कृपा है आपके ऊपर इस महीना कि आपके ऊपर बिल्कुल एक तरीके से उनका जो है आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, दोनों में प्रेम रहेगा इस महीना। ओके, और लेकिन जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, या जो लोग बाग सिंगल है, या जिन लोगों के पास कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स नहीं है, तो इस महीना आपको किसी न किसी से जान पहचान होने की पूरी संभावना है। अगर आप कोई भी सोशल या शादी विवाह, कोई भी मेंबरशिप, कोई भी क्लब मेंबरशिप, कोई भी गेट टुगेदर, अगर आप इनमें अगर आप जाते हैं। ओके नाउ, अब एक चीज़ है कि जो मार्स है, मार्स जो है वो एक तरीके से इस तरह का माहौल बना रहा है कि जिसमें आपका ड्रिफ्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। बहुत दिन से कोई प्रस्ताव आपके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है प्रेम से संबंधित, और जिस पर आप ध्यान आपने सोचा टाल देता हूँ या टाल देती हूँ या बाद में सोचेंगे या ये तब सोचेंगे, लेकिन अब आपको लगता है इस महीना फरवरी के महीने में आपको लगेगा कि अब आप ब्रिम तक पहुँच चुके हैं, जहाँ पर अब उसको टालना पॉसिबल है नहीं बेसिकली। ओके, कोई भी आपको ये लगता है कि अब इसको टालना पॉसिबल है नहीं, अब हमको जवाब देना पड़ेगा, तो अब जो है बेसिकली आप एक तरीके से अगर बोला जाए कि तुला राशि वाले किसी से बड़े ही मुश्किल से प्रेम करते हैं, बड़े ही कठिन प्रेमी होते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब भावनाओं में बहने वाले लोग भाग नहीं होते, कैलकुलेशन होते हैं, कैलकुलेटेड लोग भाग होते हैं। अगर मैं एक शहर के, अगर किसी भी शहर के व्यवसायी की बात करूँ जो कि बिजनेस करते हैं, वो टिपिकल एक लिब्रा बिहेवियर होता है जिसमें वो इमोशनल नहीं होते। लेकिन क्या है कि इस महीना आप कुछ इमोशनल हैं, स्पेशली जबकि अगर आप कोई पुश्तैनी बिजनेस संभाल रहे हैं या पुश्तैनी काम कर रहे हैं, और अभी आप यंग हैं,
तो अभी आप रिवेलियस हर्ट है आपका, तो ऐसे में आप अपने दिल की सुनेंगे, ओके। लेकिन ये एक तरीके से मेडलियन लव है इस बार, और ये एक खास उम्र तक रहता है तुला राशि के लोगों में, उसके बाद ये क्षीण होने लगता है, क्योंकि तुला राशि वाले अधिकतर बहुत ही सांसारिक व्यक्ति होते हैं, हर चीज बिल्कुल सोच समझ के करते हैं। अगर ये संन्यास भी लेंगे ना तो सोच समझ के करेंगे कि इसमें फायदा है नुकसान है, क्या हम इसके उत्तराधिकारी बनेंगे यहाँ पर या इसके स्वामी बनेंगे, ये इस तरीके से। लेकिन इस बार, लेकिन अगर आप यंग हैं तो तुला राशि एक अलग तरीके से बिहेव करती है। बिफोर 30 इट बिहेव्स वेरी डिफरेंटली, आफ्टर 30 देयर इज अ डिफरेंट बिहेवियर इन तुला, ये तुला राशि के अंदर, लिब्रा के अंदर। तो अगर आप बिलो 30 हैं और अगर आप कोई अगर आपको प्रेम करता है या आप किसी को प्रेम करते हैं तो आप इस बार पक्का अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे, ओके। क्या पागल दिल आपकी सुनेगा इस बार? उम्मीद है कि आप सुनेंगे, ओके। लेकिन जहाँ तक एक लॉजिक की बात है, एक नुकसान या फायदे की बात है, अगर मैं तुला राशि के हिसाब से सोचूं तो तुला राशि वालों को मैंने अक्सर कहते सुना है कि जब कोई भी दिल और दिमाग के बीच में जंग हो तो हमेशा दिमाग को जीतने दो, ओके। सही रास्ता आपको दिमाग दिखाएगा, दिल जिस तरफ लेकर के जाएगा उस तरफ लॉजिक नहीं होगा, और जहां पर लॉजिक नहीं होगा वहां पर आपको रास्ता ढूंढने में मुश्किल होगी। तो इसलिए तुला राशि का लॉजिक ये है कि हमेशा दिमाग की सुने। अब क्या पागल दिल आपकी सुनेगा इस बार या जाएगा, मैं ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ओके। सोच समझ के डिसीजन लीजिए और अपने जीवन का निर्णय स्वयं कीजिए। और इसी के साथ में मैं ये एंड करता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू। ऑलराइट देन, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।